हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतिभा क्रिएटिव। आज के इस वीडियो में आपको ये हाई एंड लो बेल्थ स्लीव बनाना बताऊंगी, जिसे आप बहुत ही आसानी से बना सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले देखिए, मैंने स्लीव की कटिंग कर ली है और इसमें मैंने स्लीव की लेंथ ली है 11.5 इंच। तो ये लेंथ हम इस तरह से लेंगे। ये जो हमारा, देखिए यहाँ पर ये जो हमारा पॉइंट है, यहाँ तक हम स्लीव की लेंथ लेंगे और उसमें 1/2 इंच प्लस कर देंगे। तो यहाँ तक की मेरी लेंथ थी 11 इंच और मैंने उसमें 1/2 इंच प्लस कर दिया। तो मैंने इस तरह से यहाँ पे 11.5 इंच स्लीव की लेंथ ली है। अब यहाँ पे हम बॉटम ले लेंगे जितना हमारा है और यहाँ साइड पे हम सिलाई लगा देंगे। अब देखिए, हम बेल बनाएंगे तो बेल बनाने के लिए मैंने फैब्रिक लिया है, ये मैंने सिंगल में फैब्रिक लिया है और इसकी लेंथ मैंने ली है 12.5 इंच और विड्थ भी मैंने ली है 12.5 इंच। तो इस तरह से मैंने लंबाई चौड़ाई बराबर ली है। अब देखिए, इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह से इसे हम फोल्ड करेंगे और इस तरफ से इसे हम फोल्ड करेंगे। जितना हमें ये हाई एंड लो चाहिए उस हिसाब से यहाँ पे हम इसे फोल्ड करेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे 2 इंच तक इसे फोल्ड किया है। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा, जितना भी आपको हाई एंड लो चाहिए। तो इस तरह से देखिए, मैंने 2 इंच पे इस तरह से इसे रखा है। अब देखिए, यहाँ पे हम स्लीव लेंगे और स्लीव को देखिए मैंने सिलाई लगा के साइड की उसे सीधा कर लिया है। अब इसे हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर रखेंगे ये जो हमारा कॉर्नर है। ये देखिए, ये जो हमारा कॉर्नर है, इसे हम बिल्कुल इस कॉर्नर से मिलाएंगे। बिल्कुल हमें कॉर्नर पे रखना है और आगे की तरफ देखिए, मैंने थोड़ा सा आगे एक्स्ट्रा छोड़ा है 1/2 इंच तक। तो इस तरह से यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर हम यहाँ पे हल्की सी गोलाई देंगे इस तरह से। और इसे हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए, इसे मैंने कट कर लिया। अब इसे देखिए इस तरह से ओपन करेंगे। अब ये जो हमारा नीचे जहाँ पे हमारा हाई रहेगा स्लीव में बेल्ट, वहाँ पे देखिए हमें जितना हाइट चाहिए उस हिसाब से यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 4.5 इंच पे मार्क किया है और 1/2 इंच मैंने मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा लिया। तो मैंने यहाँ पे 5 इंच पे मार्क किया है। आपको जितना हाई चाहिए आप उस हिसाब से यहाँ पे मार्क कर लीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पे हम इस तरह से गोलाई दे देंगे। अब यहाँ नीचे देखिए, यहाँ पे भी हम गोलाई देंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्क कर लिया है। अब देखिए, यहाँ पे हम इसे इस तरह से यहाँ पे गोलाई दे देंगे इस तरफ, और फिर इस तरह से इस तरफ भी हम गोलाई दे देंगे। अब देखिए, यहाँ ऊपर की तरफ यहाँ पे हम इस तरह से आगे मार्क कर लेंगे। और अब यहाँ से हम देखिए इस तरह से गोलाई देंगे। यहाँ बिल्कुल कॉर्नर से हम ले जाएंगे और इस तरह से हम यहाँ पे इस तरह से गोलाई दे देंगे। तो यहाँ इस तरह से हम राउंड शेप दे देंगे और इसे हम कट कर लेंगे। ये देखिए, इसे मैंने कट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए, इसे भी हम कट कर देंगे पीस से। तो देखिए, ये इस तरह से इसका शेप आएगा। अब देखिए, इसे हम फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम स्लीव लेंगे। अब हम स्लीव को लेंगे और ये जो स्लीव का हमारा, ये जो मैं सिलाई वाला हिस्सा, इसे हम देखिए इस कॉर्नर पे रखेंगे बिल्कुल मिलाते हुए, और इसे इस तरह से हम यहाँ पे मेज़र कर लेंगे। और जहाँ पे ये हमारा आएगा वहाँ पे हम आगे की तरफ मार्क कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ से हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे और देखिए यहाँ से हम इस तरह से यहाँ पे गोलाई दे देंगे।
तो यहाँ पे हम इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। ये मार्क मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये डिज़ाइन हमारी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये मार्क किया है। अब इसे हम कट कर लेंगे। तो देखिए इसे हमने कट कर लिया है। अब हम इसके ऊपर पाइपिंग करेंगे। तो पाइपिंग के लिए हम पट्टी लेंगे। ये मैंने पट्टी ली है, इसकी चौड़ाई हमारी 1.5 इंच है। ये देखिए इसकी चौड़ाई हमारी 1.5 इंच है। अब देखिए इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और ये जो हमारी बेल है इसके ऊपर हम इसे रखेंगे। तो इसके सीधी तरफ हम इसे रखेंगे इस तरह से, ऊपर की तरफ हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और इसे इसके ऊपर रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। हम इतनी इतनी इस पर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए मैंने इस पर सिलाई लगा दी है, देखिए। अब इसके ऊपर हम पाइपिंग बनाएंगे। तो पाइपिंग बनाने के लिए देखिए जो ये हमारी सिलाई है इसे हम इस तरह से अंदर की तरफ करेंगे और इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और जितनी पतली हमें पाइपिंग चाहिए उस हिसाब से इसे हम फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। तो इसी तरह से हम इसे पाइपिंग बना लेंगे। ये देखिए मैंने इस पर पाइपिंग बना ली है। तो इस तरह से ये हमारी बेल रेडी हो गई है। अब इसे हम स्लीव पे लगाएंगे। तो अब हम स्लीव लेंगे और ये जो हमारी सिलाई वाला हिस्सा है स्लीव पे, इसे देखिए इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे जो हमारा सेंटर आएगा यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे। और ये जो हमने मार्क किया है यहाँ पे इसे रखेंगे, इसे रखेंगे हम देखिए इस तरह से। तो देखिए हम इसे इस तरह से रखेंगे। ये जो हमारा स्लीव का राइट साइड है इसे हम सेंटर में रखेंगे अंदर की तरफ और ये जो हमारा रॉन्ग साइड है इसे हम ऊपर की तरफ रखेंगे और इसे बिल्कुल सेंटर से मिलाते हुए इस तरह से हम इसके ऊपर राउंड में सिलाई लगा देंगे 1/2 इंच पे। तो इस तरह से हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे। आगे की तरफ जो हमारा एक्स्ट्रा होगा उसे हम उसके ऊपर रखते हुए सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए मैंने इस तरह से इस पर सिलाई लगा दी है। ये बेल स्लीव हमारी इस तरह से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होगी। तो इस तरह से ये हमारी हाई एंड लो बेल स्लीव रेडी है। आप इसे अपनी कुर्ती या फिर टॉप पे ट्राई कर सकती हैं। अगर आपको हमारा ये बेल स्लीव डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे हर लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।